बिरयानी खा खा के अगर आप बोर हो गए हो तो ये लखनवी की कीमा तहरी बनाना, खुशबू से ही सभी को पता चल जाएगा कि ये लखनवी तहरी आपने बनाई है। तो ये तहरी बनाने के लिए सबसे पहले हम पतीली गरम करने रख देंगे, उसमें हमें ऐड कर देना है 2 टेबलस्पून भरकर तेल। तेल को हमने बहुत अच्छा सा गरम कर लेना है, आप चाहे तो इसे घी में भी पका सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दी है 3 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई, और प्याज को हम यहाँ पर भुनेंगे जब तक कि प्याज के ऊपर गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। जब प्याज के ऊपर गोल्डन सा कलर आ जाएगा तभी हमें इसमें डाल देना है कीमा। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 1/2 kg कीमा, जिसे अच्छे से साफ़ करके मैंने वॉश कर लिया था, और इसे इस तरह से देखिए पूरा पानी मैंने निथार लिया था अच्छे से, ताकि आपको ज़्यादा जब आप भूनते हैं ना तो कीमे में से पानी रिलीज़ होता है, ताकि वो पानी ज़्यादा ना रिलीज़ हो, इस वजह से आप इसे अच्छा सा पानी निकाल कर रखें। अब कीमे को हमने यहाँ पर 4 से 5 मिनट के लिए भुनना है, क्योंकि कीमे में से थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज़ होने ही वाला है जैसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 से 5 मिनट के लिए भुन लिया है। उसके बाद हम इसमें डाल देना है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर से 1/2 से 1 मिनट के लिए भुनना है जब तक कि तेल रिलीज़ नहीं होता। इससे जो कच्चे कीमे की खुशबू होती है ना वो सारी निकल जाती है, और बिल्कुल भी आपके जो रॉ स्मेल होती है ना वो नहीं आती है। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से हमने भून लिया। उसके बाद इसमें सारे साबुत गरम मसाले आपको डाल देना है, इससे बहुत ही अच्छे से खुशबू आपकी तहरी में आएगी गरम मसालों की, और उसे भी मिला देना है और कुछ सेकेंड के लिए भून लेना है। भुनने के बाद अभी हम इसमें डालना है नमक, जो कि जाएगा स्वाद के अकॉर्डिंग। उसी के साथ साथ हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दी है 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर। धनिया पाउडर हमें इसमें डाल देना है 1 टीस्पून भरकर। उसी के साथ साथ हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। टमाटर हमें इसमें डाल देना है लगभग 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए, और अब इन अच्छे से हमने मिलाते हुए मसालों को, टमाटर को फिर से हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए भुनाई करनी है। तो चलिए 1 से 1.5 मिनट के लिए हम फिर से मसालों को, टमाटरों के साथ कीमे को अच्छा सा भून लेंगे। भुनने के बाद हमें इसमें डालना है पानी, क्योंकि कीमा अच्छे से गलना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 1/2 छोटा ग्लास इसमें पानी डाल दिया है, उसे हमें मिला देना है, और फिर हमें इसे ढक्कन ढककर रख देना है लगभग 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, ताकि कीमा अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर हो चुके हैं 7 से 8 मिनट, और कीमा, टमाटर, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। अभी हमने इसे फिर से भुनना है जब तक कि तेल रिलीज़ नहीं होता। जब अच्छा सा तेल रिलीज़ हो जाएगा तभी हम इसमें हरी मिर्चें डालनी है काट कर, क्योंकि जब इस तरह से इसमें हरी मिर्च कटी हुई जाती है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। उसी के साथ साथ ये खुशबू मसाला, यानी मैंने बिरयानी मसाला इसमें डाल दिया है। जो लखनवी वाले होते हैं ना वो ज़्यादातर खुशबू मसाला इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर 1 टीस्पून हमें डाल देना है, और 6 से 7 आपको हरी मिर्च कटी हुई बीच से डाल देनी है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जिससे आप तीखा पसंद करते हैं। मिलाते हुए 1/2 से 1 मिनट के लिए आपको इन मसालों को बहुत ही अच्छे से भुनना है। देखिए बहुत ही अच्छा सा ये सारा मसाला जो है ना वो भुन चुका है। तो अब इसमें जाएगा राइस। उससे पहले हम इसमें कसूरी मेथी भी ऐड करेंगे, इससे भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर जो है वो आपकी तहरी में आ जाएगा। उसी के साथ साथ हरा धनिया भी हमने इसमें डाल देना है। तो 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिएगा, और अच्छे से मिला दीजिएगा, ताकि बहुत ही अच्छी सी खुशबू जो है वो आपकी तहरी में आए। अब इसमें जाएंगे चावल। तो मैंने यहाँ पर 1/2 kg कीमा था, तो 1/2 kg ही मैंने इसमें बासमती राइस लिया हुआ है। मिलाना है, थोड़ा सा राइस को अच्छा सा मिक्स करना है हल्के हाथों से, और फिर राइस के हिसाब से आपको पानी यहाँ पर डाल देना है। राइस को मैंने 15 मिनट पहले से भिगो कर रखा हुआ था। अब राइस के हिसाब से मैंने यहाँ पर डाल दिया है पानी, यानी 2 ग्लास बासमती राइस थे तो मैंने यहाँ पर 2.5 ग्लास जो है इसमें पानी डाला हुआ है। मिक्स कर देना है, और चक्कर नमक भी हमने इसमें ऐड कर देना है। तो पहले हमने थोड़ा नमक डाला हुआ था, तो अब राइस के हिसाब से मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है। अभी हमें इसे मिलाना है, और मिलाने के बाद हाई फ्लेम पर अभी हमें पकने देना है जब तक कि ऊपर का पूरा पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। तो चाहे तो आप खुले बर्तन में पकाए या ढक कर पकाए, लेकिन आपको पूरा ऊपर का पानी जो है वो ड्राई कर देना है, क्योंकि हमने बासमती राइस का इस्तेमाल किया हुआ है। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं, देखिए ऊपर का पूरा पानी जो है वो हो चुका है ड्राई। तो इस वक्त हमने गैस की फ्लेम लो कर देना है, और हल्के हाथों से हमें एक मिक्स दे देना है, ताकि चावल जो है वो दम पर बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे। उसी के साथ साथ इस वक्त हमने इसमें डालना है 1 टीस्पून भरकर देसी घी। देसी घी से पुलाव में या तहरी में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाती है, टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पर हो चुके हैं लगभग 10 मिनट ढककर रख दिया था मैंने दम होने के लिए पुलाव को, और 10 मिनट बाद आप देखेंगे तो ये आपका खुशबूदार सा कीमा तहरी बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये लखनवी खुशबूदार कीमा तहरी की रेसिपी आप भी
ज़रूर बनाना। तो रेगुलर बिरयानी खा खा के अगर आप बोर हो गए हो, झटपट सी ये लखनवी कीमा तहरी बनाएं। खास करके जो ये तहरी होती है ना, उसे सर्व किया जाता है लहसुन की चटनी के साथ। तो चलिए देखते हैं लहसुन टमाटर की चटनी कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर दो टमाटर ले लेना है, दो हरी मिर्च ले लेना है, 7 से 8 कली लहसुन की लेनी है और थोड़ा हरा धनिया ले लेना है। तो चलिए हम इसे मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। उसी के साथ साथ नमक जाएगा इसमें, थोड़ा ज़ीरा जाएगा और हमें इसे पीस लेना है। पीसने के बाद अभी इसमें जाएगा नींबू का रस। तो यहाँ पर देखिए चटनी हमारी रेडी है और ये चटनी के साथ जब आप कीमा तहरी खाएंगे ना, तो आप बार बार इसे बनाना पसंद करेंगे। तो आधा नींबू का रस डालकर बस इसे कर लेते हैं मिक्स और गर्मा गर्म तहरी के साथ हम इसे कर लेते हैं सर्व। तो ये कीमा तहरी की रेसिपी आपको बेहद पसंद आने वाली है, तो ज़रूर बनाना लखनवी कीमा तहरी विथ चटनी। रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए।